नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, अगर आपकी एड़ी फटी हुई है और एड़ी फटने की अगर किसी को समस्या रहती है, बहुत ज़्यादा एड़ी फटने के बाद दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है और ज़्यादा फट जाए तो उससे कभी कभी खून भी निकल आता है, ये देखने में अच्छा नहीं लगता और आप बहुत सारी मेडिसिन लगा के देख चुके हैं, आपको आराम नहीं हो रहा है, और बहुत सारी मेडिसिन आप खा के भी देख चुके हैं, आपको आराम नहीं हो रहा है, कई सारे डॉक्टर को भी आपने दिखाया है लेकिन आपकी एड़ी जो फटी हुई है उसमें आपको आराम नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, लगभग एक साल से मैं अपने पेशेंट को, अगर उनकी एड़ी फटी रहती है और मेरे पास वो पेशेंट आते हैं, तो मैं सिर्फ लगाने की दो होम्योपैथिक क्रीम देता हूँ मिला के लगाने के लिए, और उससे उनकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। तो आज हम जानेंगे कि ये दो होम्योपैथिक क्रीम, एड़ी अगर फटी हुई है तो कैसे इसका उपयोग करें, कौन सी ये है क्रीम, कौन सी, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये क्रीम कौन सी है और कैसे किस तरह से इसका उपयोग करें कि हमारी प्रॉब्लम एड़ी जो फटी हुई है हमारी वो हमेशा के लिए ठीक हो जाए। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू कर। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर से दबाएं। मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com है, वहाँ पर जाके आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ और, कई बार मैसेज सेक्शन में फेक अकाउंट से, मतलब वहाँ पर मेरी फ़ोटो लगी रहती है, नाम लिखा रहता है और कोई नंबर लिखा रहता है, ऐसा लगता है जैसे मैं ही किसी को मैसेज कर रहा हूँ और नीचे से उसी आईडी से मैसेज किया जाता है कि इस नंबर पे आप संपर्क करें, ऐसा लगता है कि मैं बता रहा हूँ कि इस नंबर पे आप संपर्क करें और इस नंबर पे आपको डॉक्टर विक्रम मिल जाएंगे, इस नंबर पे आपको मेडिसिन मिल जाएगी, तो ये सब चीज़ें फेक हैं। चलिए, एक्चुअली मैं लगभग एक डेढ़ साल पहले मेरे पास एक पेशेंट आए थे, फीमेल थी, उनकी एड़ी फटी हुई थी, हालांकि वो किसी और कारण से, मतलब उनको सियाटिका की प्रॉब्लम थी, तो वो मेरे पास सियाटिका की प्रॉब्लम ठीक कराने आई थी, मैंने मेडिसिन दी सियाटिका की, उन्हें आराम लगा। दोबारा जब वो आई तो क्या होता है, जब आपको आराम लगता है ना तो पेशेंट पूछता है कि सर मेरा एड़ी भी फटा हुआ है, क्या आप इसकी भी दवा दे सकते हैं, तो उन्होंने भी यही सवाल किया। तो मैं, क्योंकि उनकी सियाटिका की मेडिसिन चल रही थी खाने की और पीने की, तो मैंने सोचा कि यार मैं एक्स्ट्रा मेडिसिन ना दूं कुछ और खाने के लिए और मैं सिर्फ लगाने के लिए मेडिसिन दूँ, तो मेरे पास दो ही ऑप्शन थे और दिमाग में दो ही मेडिसिन मेरे दिमाग में आई, एक तो सल्फर और एक पेट्रोलियम। दोस्तों, पेट्रोलियम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है अगर आपकी एड़ी फटी हुई हो। जब आप पेट्रोलियम का उपयोग करते हैं तो जो सूखापन है, जो रूखापन है एड़ी का, वो ठीक होता है और एड़ी मुलायम हो जाती है और जो फटी हुई एड़ियां हैं वो ठीक हो जाती हैं। सल्फ़र दोस्तों, जब आप इसका उपयोग करते हैं तो जो एड़ी है वहाँ पर अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, खासकर अगर फंगल इन्फेक्शन है, वो ठीक हो जाता है और हीलिंग प्रोसेस बढ़ जाती है, जिसके कारण एड़ी बहुत जल्दी हील हो जाती है, जो फटी हुई एड़ियां हैं बहुत जल्दी हील हो जाती हैं और जिसके कारण एड़ी ठीक हो जाती है। तो पेट्रोलियम और सल्फ़र मैंने उन्हें ऑइंटमेंट में दिया, सल्फ़र ऑइंटमेंट और पेट्रोलियम ऑइंटमेंट, एक्चुअली मेरे पास SBL की थी, आपके पास कोई अदर कंपनी की भी हो तो चल जाएगी, मैंने SBL का पेट्रोलियम ऑइंटमेंट और SBL का सल्फ़र ऑइंटमेंट उन पेशेंट को दिया। कैसे दिया, बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको इसे यूज़ करना है। अगर आपकी एड़ी फटी हुई है तो आपको रात में, पहले तो एक लगभग आपके घर पे टब होगा, बाल्टी होगा, तो थोड़ा सा पानी गर्म करके उस बाल्टी में या टब में रख लीजिए, उसके बाद एड़ी डुबो दीजिए, इतना नहीं कि बिल्कुल, मतलब गर्म, मतलब सहन के लायक होना चाहिए, इतना हल्का गुनगुना पानी, उसमें एड़ी डुबो दीजिए, फिर एड़ी को अच्छे से रगड़ लीजिए, साफ़ कर लीजिए और उसे सुखा लीजिए। उसके बाद आप पेट्रोलियम ऑइंटमेंट और सल्फ़र ऑइंटमेंट को हाथ में थोड़ा थोड़ा लीजिए, जितना लगाना है, लगभग इतना इतना लगेगा, और थोड़ा थोड़ा लीजिए, मिला लीजिए और लगा लीजिए। बस रात में एक बार ही इसका उपयोग करना है, सिर्फ रात में एक बार आप लगाते रहें ये मेडिसिन, 15 दिन तक लगाएं, आपकी एड़ी मुलायम हो जाएगी और साथ ही साथ फटी हुई एड़ियाँ पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। तो लगभग एक एक
अगर आप ऑइंटमेंट यूज़ करते हैं सिर्फ एक, तब भी आपको फ़र्क दिखेगा। बस शर्त ये है कि आपको अच्छे से एड़ी को साफ़ करना है, जो दिन भर गंदगी लगी हुई है एड़ी में उसे साफ़ करना है, जो डेड स्किन है उसे भी थोड़ा सा साफ़ करना है, और गुनगुने पानी में अच्छे से जब साफ़ हो जाए उसे सुखाना है। सुखाने के बाद ये क्रीम अच्छे से लगाना है जब तक एब्जॉर्ब ना हो जाए, ऐसे नहीं सिर्फ लगा दिए, ऐसा थोड़ा सा उसे हल्के से एड़ियों में रगड़ना भी है जिससे वो एब्जॉर्ब हो जाए, उसके बाद सो जाना है। तो अच्छी नींद तो आएगी ही आएगी, लेकिन एड़ी भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि रात में अगर आप गुनगुने पानी में पैर रख के थोड़ी देर बैठते हैं तो नींद भी अच्छी आती है, तो आपको थोड़ी सी अच्छी नींद भी आ सकती है इस तरीके से। तो ये मेडिसिन इस तरीके से आपको यूज़ करना है। पेट्रोलियम ऑइंटमेंट और सल्फ़र ऑइंटमेंट अगर आप SBL का यूज़ करेंगे तो लगभग 55 या 60 रुपीज़ का आपको एक पड़ेगा, तो मतलब 120 रुपीज़ का आपको पड़ेगा, और मेरे हिसाब से आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट देती है, क्योंकि मैं इस समय काफ़ी सारे पेशेंट को सिर्फ ये दो ऑइंटमेंट मिला के लगाने के लिए जो तरीका है, उस तरीके के साथ अगर कोई पेशेंट अप्लाई करता है तो मैंने देखा है कि लगभग 80-85% रिज़ल्ट मिलते हैं। तो बहुत बढ़िया रिजल्ट्स हैं, और अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है, मतलब वहाँ पर पीला भी पड़ा हुआ है, तब भी ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। बस आपको तरीका अच्छे से अप्लाई करना है, तरीके से अप्लाई करना है, और जो तरीका मैंने बताया है वैसे ही यूज़ करना है साफ करके अच्छे से। तो बस सिंपल सी मेडिसिन है, और ज़रूर ये मेडिसिन यूज़ करिएगा, आपकी एड़ियाँ बहुत मुलायम हो जाएंगी, बहुत अच्छी दिखेंगी, और समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया तो उसको दबाना बिल्कुल मिलेगा, यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दिया तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन है मैसेज ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।